नमस्कार दोस्तों, मिस्टर ट्विनटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप फ़ोनपे में ट्रांजैक्शन करते हो, किसी को पैसे भेजते हो, तो आप किसी को पैसे भेजे होंगे तो आपका ट्रांजैक्शन फेल आ गया, बट आपका पैसा कट भी गया और जिसको भेजे हैं उसको पैसा नहीं गया। तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने वाला हूँ, किस तरह से आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में फिर से आ जाएगा, किस तरह से इस पैसे को लाना है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ देते हो, कहीं भी स्किप करते हो, तो आपको वो प्रॉब्लम का पता नहीं चलता है और आप ठीक नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी को पैसे सेंड किए होंगे और आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल आ गया है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि कभी कभी नेटवर्क इश्यूज आ जाता है, कभी कभी बैंक में इश्यू आते रहते हैं। तो इस तरह से आपका ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और आप जिसको पैसे भेज रहे होते हैं उसको पैसा नहीं जाता है और आपके बैंक अकाउंट से भी पैसे कट जाते हैं। तो इसका प्रॉब्लम, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको शाम में कभी भी कोई भी बैंक से जल्दी ट्रांजैक्शन नहीं करना है, क्योंकि शाम में 6 से 7 बजे तक में यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जिससे आपके पैसे इसमें ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं और इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। अब इसको फिक्स किस तरह से करना है, तो इसको सही करने के लिए, ये पैसे लाने के लिए आपको क्या करना है, 3 से 5 दिन वेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो मुझे क्या बता रहा है, यहाँ पे देयर आर टेक्निकल इश्यूज एट योर बैंक, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम नोट, यहाँ पे एनी इफ़ एनी मनी हैज़ लेफ्ट योर अकाउंट, मतलब आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में फिर से सेंड कर दिए जाएंगे, योर बैंक विल रिफंड, मतलब के रिफंड हो जाएगा विद इन 3 to 5 days। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 to 5 days, मतलब 3 से 5 दिन में जो मेरा पैसा है वापस आ जाएगा, अब भी तुरंत नहीं आएगा। किसी किसी का होता है 24 से 48 घंटे, 1-2 दिन में भी आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन वेट कर लेना। अगर आपका पैसा फिर भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है, फ़ोन पे आपके जो भी बैंक है उस बैंक का कस्टमर केयर गूगल पे सर्च कर लेना है, उसको कॉल करना है और उसको पूछना है। आप अपने बैंक के बारे में बताएंगे कि मेरे बैंक में पैसे कट गए और किस कहाँ कटे, किस तरह से इसको पैसे को वापस लाना है, तो वो आपको बता देंगे कि कितना दिन में आपका रिफ़ंड आ जाएगा। अगर आपका 10 दिन हो जाता है या 15 दिन हो जाता है, तो उससे पहले आपको 4 से 5 दिन में अगर आपका पैसा वापस नहीं आता है तो आपको जाना है और अपने फ़ोन पे कस्टमर से भी बात कर लेने। फ़ोन पे कस्टमर से बात करने के लिए आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है फ़ोन पे कस्टमर केयर सर्विस, वहाँ पे जो भी नंबर आते हैं उस पर कॉल करके आपको सब प्रॉब्लम बताना है। वहाँ से भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं आप यहाँ पे इंस्टेंट प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। ये इसमें तुरंत पैसे नहीं आएंगे, बट कुछ दिन में, 1-2 दिन में ज़रूर आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बैक में हो जाता हूँ। बैक होने के बाद अब आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर पर, यहाँ पर देख सकते हो दिख जाएगा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, आपको यहाँ पे हेल्प लेनी है फ़ोन पे से, क्योंकि फ़ोन पे से पैसा कटा है। तो यहाँ पे पेमेंट इश्यूज़ आपका हुआ है तो पेमेंट इश्यूज़ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आपका यहाँ पर पैसा कट गया है, मतलब इश्यू विद फेल्ड पेमेंट, आपका पेमेंट फेल्ड हुआ, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो फिर आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज करना है वाई इज़ माई मनी डेडिकेटेड माई फेल्ड पेमेंट, मतलब आपका पैसा फेल्ड भी हो गया और आपका पैसा कट भी गया, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर भी आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ लेना है, यहाँ पर भी लिखा रहा है, यहाँ पे लिख के दिया गया है कि 3 से 5 दिन में आपका जो भी आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद या आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट योर बैंक, मतलब आपका जो भी बैंक है आप अपने बैंक से यहाँ से बात भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट योर बैंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो जो भी बैंक है आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आप अपने बैंक से भी यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका आपको चैट का ऑप्शन आएगा, तो आप इजीली बैंक को बता सकते हो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वैसे तो मैं बता दूँ 3 से 5 दिन में आपका पैसा आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका फिर भी पैसा नहीं आता है तो आप अपने बैंक से संपर्क कीजिए, डायरेक्ट बैंक के पास जाइए, वहाँ से आपके पैसे 100% वापस आ जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ कर लो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।